नमस्कार, मैं हूं अश्विनी मिश्रा। सूर्योदय का देश जापान और युवाओं का देश भारत परस्पर संबंधों को नित नई ऊंचाइयां दे रहे हैं और इन संबंधों में एक सुनहरा, अभूतपूर्व और ऐतिहासिक अध्याय तब जुड़ा जब जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत यात्रा पर आए। शिंजो आबे की यात्रा के दौरान न केवल हाई स्पीड बुलेट ट्रेन परियोजना की आधारशिला रखी गई बल्कि दोनों देशों की दोस्ती को भी नई रफ्तार मिली। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और भारत जापान बिजनेस फोरम में आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने और परस्पर हितों को सुदृढ़ करने के उपायों पर भी अर्थ जगत के दिग्गजों के साथ बातचीत हुई। प्रतिनिधिमंडल स्तर के बाद वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच 15 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। क्या रहे जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के मायने, हम इसी विषय पर आज विशेष चर्चा कर रहे हैं इस खास कार्यक्रम में, भारत जापान संबंध रिश्तों के नए सूर्योदय में। और हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में हैं। हमारे साथ हैं दिलीप सिन्हा जी, स्वागत आपका, आप पूर्व राजनयिक हैं। और साथ ही साथ हैं हमारे साथ श्रीराम चौलिया जी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। श्रीराम चौलिया जी, आपसे जानना चाहेंगे, 15 समझौतों पर, सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए हैं, खासतौर से अगर देखें तो स्किल डेवलपमेंट जो कि फ्लैगशिप प्रोग्राम है, कनेक्टिविटी, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट और साथ ही साथ डिफेंस, इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटीज को, इन समझौतों को किस तरीके से देखते हैं कि संबंधों को मजबूती देने के साथ ही साथ परस्पर हितों का भी समन्वय हो सके। जी अश्विनी जी, अभी जापान और भारत का मैं समझता हूँ कि लगभग एक संधि के स्थिति में पहुंच गए हम। भारत ऐतिहासिक तौर पे संधियों में कभी विश्वास नहीं रखता था और हम हमेशा ही साझेदारी की बात करते हैं, पार्टनरशिप, अलायंस तक नहीं जाते हैं। लेकिन एक तरह से जो जापान, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी सीमित नहीं है, सिर्फ भारत और जापान द्विपक्षीय नहीं है, एशिया के लिए भी नहीं, अफ्रीका की भी बात चल रही है, कैसे हम दोनों मिलकर अफ्रीका में भी इन्वेस्टमेंट और कनेक्टिविटी बनाए, तो ये एक तरह से एक वैश्विक साझेदारी है और इसमें बहुत पहलू हैं। जो 15 जो आप कह रहे हैं उन्होंने बहुत सारे पहलू कवर किए हैं और कुछ खास इनमें मैं जिक्र करना चाहूँगा। पहला है कि हमारी जो उत्तर पूर्व है उसको आधुनिकीकरण के लिए जापान बहुत मददगार रहा है और अभी एक फोरम बनाएगी जिसमें नॉर्थ ईस्ट को लेकर भारत और जापान और भी मिलकर काम करेंगे, चाहे सड़कें बनानी हो, चाहे पुल बनाने हो और चाहे जो अंदरूनी जो जंगली और पहाड़ी इलाके हैं उन सबको मेन स्ट्रीम में जोड़ने हो, और चाहे दूसरी तरफ म्यांमार है, अभी प्रधानमंत्री जी म्यांमार गए थे, तो एक्ट ईस्ट का जो पूरा हमारा जो भारत का जो रवैया उस पर भी जापान और भारत बहुत करीबी मिलकर काम कर रहे हैं क्योंकि उनका एक कॉमन प्रॉब्लम है, जो साझा एक मसला उनका है कि चीन का खतरा मंडरा रहा है। तो भारत और जैसे दिलीप जी कह रहे थे कि एक शांति अगर हमें कायम करनी हो, स्थिरता कायम करनी हो, तो भारत और जापान जो अहम अंग हो जाते हैं इसमें, जो मेन किरदार उनको निभाना पड़ता है, तो ये सब हमें देखने को मिल रहा है इन सारी चीजों में। स्किल अभी प्रधानमंत्री जी ने बड़े कमाल की बात कही शिंजो आबे ने, उन्होंने कहा कि जापान का जे और ए होता है और भारत का आई होता है और इन दोनों मिलाकर जय बन जाता है, तो ये कह रहे हैं कि हम विजय पथ पर हैं एक तरह से। और जापान हालांकि आर्थिक संकटों से गुजरता गया है, पिछले एक साल में उनकी थोड़ी सुधार हो गई है, वापस वो पटरी पे आ गए हैं और जापान अभी भी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी है और उनके पास निवेश के लिए बहुत सारा धन है और वो हमेशा ही ढूंढते रहते हैं मौके और अवसर जो है। वो जैसे गुजरात में ही 15 कंपनियां आई हैं जो निवेश करने आई हैं और बाकी भारत में कई राज्यों में वो फैल रहे हैं, इंडस्ट्रियल पार्क्स बना रहे हैं, इन सभी बड़ी बड़ी जापानी कंपनी आ रही हैं। यहाँ तक कि शिंजो आबे ने कहा कि मैं तो चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जापानी खाना भी मिले यहाँ पे, रेस्टोरेंट्स भी बने, तो एक तरह से कल्चरल इमर्शन भी हो रहा है। मुझे लग रहा है कि कूल ईएमएस सर्विसेज भी शुरू करने की बात हुई है, तो अगर आप ये सारा लेकर देखें तो एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव, जैसे अभी अंग्रेजी में हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ग्लोबल स्पेशल पार्टनरशिप, ये जो दर्जा है भारत ने आज तक किसी को नहीं दिया, अमरीका को भी नहीं दिया, और मोदी जी ने खास तौर पर इस तरह से रिश्ते बनाए हैं शिंजो आबे के साथ, जो पर्सनल रिश्ते हैं, पर्सनल केमिस्ट्री जो वो कहते हैं, इन सब का अब हमें फलस्वरूप ये मॉडर्नाइजेशन पार्टनरशिप बन रहा है। श्रीराम जी, इससे पहले दिलीप सिन्हा साहब कह रहे थे कि फ्री नेविगेशन पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में और साथ ही साथ कनेक्टिविटी आसियान देशों को जोड़ते हुए, इन सबसे अलग अगर इतर देखें तो एक समझौता ये भी हुआ कि सिविल एविएशन दोनों देशों के कुछ चुनिंदा शहरों के बीच ओपन स्काई सिस्टम डेवलप किया जाएगा। व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से कितनी कुछ उपलब्धिकारी रही है यात्रा जी? बहुत फायदेमंद रही है।
प्रधानमंत्री जी ने खुद जिक्र किया कि 4.7 अरब डॉलर तक अभी जापान का निवेश है और अगर 80% पिछले साल हुई है तो मुझे लग रहा है कि सालाना अगर देखा जाए तो हम तो जापान अभी तीसरे नंबर पे हमारे निवेशकों में पहले नंबर पर भी पहुंच सकता है जल्दी। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार की कि एफडीआई इतना हम लेके आ रहे हैं दुनिया भर से, खासतौर पर जापान से। और इसके पीछे नीतियां भी हैं, मोदी जी ने खास वो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन क्लियरेंस, सिंगल विंडो क्लियरेंस वगैरह बनाई जिसकी वजह से जापानी खुश हुए हैं और गुजरात का जो मॉडल अभी पूरे भारत में अभी लागू हो रहा है, तो ये हमारे लिए सक्सेस है। दूसरा मैं कहूँगा कि ट्रेड जो है उसमें थोड़ी सी कमी हुई है पिछले सालों, सिर्फ 15 बिलियन तक घट के कमी हुई है। तो इसमें देखिए इसकी कई कारण होते हैं, अभी भारत उभरता हुआ एक आर्थिक शक्ति की तरह आ रहा है तो मेरे ख्याल से वो भी कवर होगा। इस पर खास चर्चे भी हुए हैं इसमें कि किस तरह खामियों को दूर किया जाए। और एक और चीज है, देखिए ये जो कॉरिडोर्स कनेक्टिविटी की बात हुई है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हालांकि इस पर कोई अनाउंसमेंट नहीं आया इस दफे, लेकिन उस पर काम चल रहा है और इसके पीछे आइडिया ये है कि जापान पूंजी लगाएगा और भारत एक सूत्रधार बनकर अफ्रीका के इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी कर सकता है। और इस कारणवश हमारा जो पूरा इंडियन ओशन रीजन की जो स्ट्रेटजी है उस पे हम ज्यादा बल दे पाएंगे। और जापान एक ऐसा सामरिक अभी हमारे साझेदार बन गया है जो कि कुछ भी देने के लिए तैयार है। इवन डिफेंस में भी अगर आप देखें, ट्रेड में जापान के पास कुछ मिसाइल्स के क्षेत्र में काफी महारत है और वो नॉर्थ कोरिया पे भी चर्चे हुए हैं, आतंकवाद पे भी चर्चे उन्होंने किए। तो एक तरह से आप देखा जाए तो ट्रस्ट बहुत ज्यादा, विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इतना ज्यादा कि चीन अब थोड़ा कंसर्न के साथ देख रहे हैं कि भारत और जापान अगर इतने करीब हो जाए तो क्या हमें घेरा जा सकता है। तो इस लेवल तक अगर हम पहुंच पाए तो, और जापान की एक और खास पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं एक नया आयाम जुड़ता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। डिफेंस के तरीके से रक्षा और सुरक्षा तैयारियों के लिहाज से कितना मददगार है जापान का सहयोग, जापान का साथ? मालाबार जो कहते हैं, जो नेवल एक्सरसाइजेस हैं नौसेनाओं की, उसमें जापान अभी पूरा हिस्सेदार बन गया अमेरिका और हमारे साथ। तो उनकी जो, जैसे दिलीप साहब कह रहे हैं, नेवी, एयरफोर्स और ग्राउंड आर्मी सारी सेल्फ डिफेंस के बेसिस पे सुरक्षात्मक बजाय बाहर जाते हुए, तो एक तरह से उनके लिए भी मददगार रहती है कि भारत जैसी एक एक्टिव देश के साथ वो जुड़े ताकि डिफेंस प्रिपेयरेडनेस में उनका साथ मिले। जापान की लॉन्ग टर्म एम्बिशन है कि चीन को ना ही, एक तो फर्स्ट आइलैंड चेन कहते हैं जिससे चीन को रोका जाता है, फिर सेकंड आइलैंड चेन, ये अमरीकी नीतियां हुआ करती थी, रणनीति। अब जापान समझ रहा है कि अगर, जब ट्रंप जो पीछे हट रहे हैं, पता नहीं क्या जाने कल वो चीन के साथ समझौता भी कर बैठे हैं, तो हमें अपना खुद का स्वावलंबन देखना है और खुद की अपनी कैपेसिटीज बिल्ड करनी है। इसमें भारत को एक बहुत बड़ा पार्टनर माना जा रहा है। श्रीराम जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि हम कह रहे हैं कि पूरे देश को उम्मीद है, पूरी दुनिया भी देख रही है, सब कह रहे हैं कि आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ रिश्तों को बुलेट ट्रेन जैसी गति मिलेगी, इस पूरी यात्रा से स्पष्ट होता है, एक संकेत जाता है पूरे वैश्विक परिदृश्य? जी हाँ, सभी की नजरें हैं कि जापान और भारत किस तरह की फॉर्मेशन बनाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि कुछ और हमारे साझेदार होने चाहिए, जैसे इंडोनेशिया है, इंडो पैसिफिक के लिए हमें कुछ और बड़े देशों को शामिल करना होगा, वियतनाम है। और इन सभी में, जैसा मैंने पहले कहा, एक तो चीन का खौफ है, दूसरा वो समझते हैं कि अमेरिका से अगर निर्भरता कम किया जाए तो इस परिप्रेक्ष्य में भारत की जो हैसियत है वो बढ़ रही है। और मेरे ख्याल से मोदी जी ने ये भी एक पेशकश की है कि भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो सकता है, जिसमें जापान जैसा देश जो अभी उभर रहा है हिरोशिमा नागासाकी के बाद, वो तो बिल्कुल शांतिपूर्वक ही बैठ गए थे और एक तरह से वो अपना सत्ता नहीं जमा रहे थे दुनिया भर में। अब शिंजो आबे चाहते हैं गो ग्लोबल, वो भी चाहते हैं कि जापान हर जगह उनका नारा गूंजे, और उसके लिए भारत एक जरिया बन गया उनके लिए। तो वो भी देखना पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ कारोबार वाली बात नहीं है, जापान के लिए एक तरह से वापसी है जो विश्व अफेयर्स में, और उसके लिए भारत उनके लिए प्रबल साथी है। निश्चित तौर से प्रधानमंत्री शिंजो आबे का भारत दौरा रिश्तों का नया सूर्योदय तो है ही, साथ ही साथ शिंजो आबे के ही शब्दों में कि अगर जापान का जे और भारत का आई मिलके जा एक शब्द बनाता है, वो शब्द होता है जय, जो कि पूरी दुनिया के लिए बुद्ध और गांधी की धरती से मानवता कल्याण का एक नया संदेश देगा। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दिलीप सिन्हा साहब, श्रीराम चौलिया साहब, आप स्टूडियो आए, आपने विस्तार से चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हमें दीजिए इजाजत, देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।